सो हेलो भाई लोग, क्या हाल चाल, कैसे आप सभी लोग। और गाइज, आप सबका स्वागत है यहाँ पे एक और नई वीडियो में। और तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए लेके आ चुका है एक और नया एपिसोड गाइज पिक्सल मोनवा का। तो पिक्सल मोन के पिछले एपिसोड में हमने देखा होगा गाइज, तुम्हारे भाई को ना एक नया वाला लेजेंडरी पोकेमोन जो ना गाइस वो मिल चुका है। और आज वही जो नया वाला लेजेंडरी पोकेमोन है ना गाइस, वो मैं आज किस एपिसोड में आपको दिखाने वाला हूँ। एंड प्लस हम वापस से कुछ और खतरनाक एंड ओपी से लेजेंडरी पोकेमोन्स को कैच करने के लिए जाने वाले। या फिर गाइस, मेरे को जितना पता है मैंने यहाँ पे रखा हुआ था एक स्टोन वाली पेड़ी कहाँ पे मैंने सेब्लिनेट यही था क्या, मैंने एक स्टोन रखा हुआ था जिस स्टोन से हम एक डार्क टाइप पोकेमोन को मेगा इवोल्व कर सकते थे। तो वो स्टोन जो है ना गाइस, वो भाई ढूंढ के मैं उस भाई डार्क टाइप पोकेमोन को मेगा इवोल्व करूंगा या फिर लेजेंडरी पोकेमोन पकड़ने के लिए जाऊंगा। देखते चलो गाइस कि आज करना क्या है। वैसे गाइस, आज का जो एपिसोड है वो शुरू करने से पहले जो भी नए बंदे हो गए यार, फटाफट लाइक जरूर सब्सक्राइब जरूर से कर देना। मैं अपना जो ना गाइस क्लेम एक कर लेता हूं, इन लोंडो को जो ना गाइस मैनेज पोकेमोन इनको जो ना गाइस यहां पे वापस से निकाल देता हूं गाइस। ठीक है चलो भाई, अभी यहां पे ब्रीडिंग किसी की चल नहीं रही है, अपन जो ना गाइस बाद में यहां पे किसी की ब्रीडिंग करेंगे। सो गाइस यहां पे जो ना गाइस लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर से कर देना। और नीचे डिस्क्रिप्शन में गेमिंग ग्रैंड के चैनल का लिंक मिल जाएगा, उनके चैनल को भी जरूर चेकआउट कर लेना गाइस। ठीक है अभी मैं आपको जो ना गाइस, रुक जाओ, अंडा अंडे गरम गरम अंडे, वेरी इज द अंडा, अंडा इसके अंदर चला गया आई थिंक, पीसी के अंदर, अंडा पीसी के अंदर चला गया भाई। इसका कोई सीन नहीं है मेरे को भाई, ये वाला नया पोकेमोन देखना है गाइस। ठीक है मेरे को देखना है इसका लुक कैसे, मेरे को लग रहा है इसका लुक एकदम 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 खतरनाक होने वाला है, खतरनाक गाइस। ठीक है यहां पे डाल दे एंड एक्सपी कैंडी गाइस मेरे हिसाब से मेरे पास पड़ी हुई होगी यार, मैं इसको मैक्स लेवल कर लेता हूँ। क्या पता गाइस ये कोई खतरनाक एंड ओबीसा पोकेमोन निकल जाए यार। ठीक है कैंडी कैंडी मेंडी, रुक जाओ कैंडी किधर है भाई, कैंडी वन दिसी, अरे कैंडी नहीं मिल रही है। A few moments later, ऊपर तो कैंडी नहीं मिली, मेरे को लग रहा है गाइस अपन को नीचे जाना पड़ेगा गाइस। ठीक है नीचे के बक्सों में जो ना गाइस कैंडी विंडी जो है ना गाइस वो मिली जाएगी लग रहा है। यहाँ पे बॉल है मतलब कैंडी विंडी जो है ना गाइस वो आजू बाजू ही कहीं पे रखी होगी गाइस। ठीक है एक्सपी बिक्सपी कैंडी यार मिल जाएंगी, योगा से होगा गाइस। वैसे कैंडी जो है ना गाइस वो भाई डोरेमोन भाई खुद यूज करता होगा, मेरे को नहीं लग रहा कि उसने मेरे लिए जो ना गाइस यहाँ पे कैंडी जो ना बचा के रखी होगी। फिर भी देखते हैं गाइस, शायद ढूंढने से हमको जो ना गाइस और कैंडी मिल जाएगा गाइस यहाँ पे। ठीक है नहीं यार, ओ मैंने भाई शल्कर बॉक्स में थोड़ी सी कैंडी डाल रखी थी ना मेरे, मेरे को अभी जस्ट याद आया, बट उतनी कैंडी इनफ रहेगी क्या? नहीं यार इसके अंदर तो कैंडी नहीं है, सो मैंने कैंडी कहाँ डाल रखी थी, मेरे को इतना पता था कि मैं शल्कर बॉक्स में डाल रखी है बट यहाँ पे तो दिखाई नहीं दे रही है। रुक जाओ इसको भाई कलेक्ट कर लेता हूँ गाइस, ज्यादा कुछ कैंडी जो ना गाइस वो हमको यहाँ पे मिली नहीं है गाइस। ठीक है हमको ज्यादा कुछ क्या भाई, कुछ भी कैंडी नहीं मिली भाई, एक दो भाई कुछ कैंडी मिली होगी खाली, बाकी जो कैंडी है ना गाइस वो पता नहीं कहाँ पे है गाइस, शायद कहीं पे और रखी होगी। कोई चीज नहीं गाइस, अभी जितनी कैंडी है ना गाइस उससे भाई लेवल अप कर लेता हूँ मैं इस पोकेमोन को गाइस। ठीक है आ जाओ। सो गाइस ये रहा हमारा नया पोकेमोन, ये है क्या है चिली में टोर्नेडोस, ये एक क्लाउड पे बैठा हुआ बड़ा सा मुच्छड़ है जिसके क्लाउड के अंदर से पता नहीं गाइस ये क्या निकल रहा है गाइस। ठीक है ये क्या है ना गाइस, पर्पल कलर का ये पता नहीं चल रहा, बट एक छोटा सा नहीं बहुत ज्यादा ही जो ना गाइस बड़ा सा मुच्छड़ दिखाई दे रहा है यहाँ पे। मुच्छड़ सर जी लेवल अप चाहिए आपको, रुक जाओ मुच्छड़ सर जी को थोड़ा लेवल अप शेवल अप दे देता गाइस। ठीक है मुच्छड़ सर जी को देखता हूँ गाइस कौन कौन से अटैक्स जो है ना गाइस वो आएंगे गाइस। अबे यार इससे तो भाई काफी टाइम लग जाएगा गाइस इसको मुच्छड़ सर जी को लेवल अप देने में, वैसे अच्छा मैं ये वाले यूज कर लो और ये वाले यूज कर लो खाली गाइस। ठीक है ज्यादा लेवल अपनी मुच्छड़ सर जी को दे पाएंगे आज गाइस, ठीक है आज ज्यादा लेवल अपनी दे पाएंगे, बट कोई ना बाद में दे देंगे कभी भाई। ठीक है ले लो मुच्छड़ सर जी थोड़ा सा लेवल अप ले लो, और थोड़ा सा भाई वो भी कर लो अगर कुछ इवोल्यूशन, इसका इवोल्यूशन नहीं लग रहा मेरे को कुछ होगा करके, अगर होगा भी ना तो भी आज अपन नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारा सारा कैंडी जो है ना खत्म हो चुका है। और जो स्मॉल कैंडी है ना गाइस वो अगर मैं 40 की 40 भी यूज कर लूँ ना तो भी मेरे को जो ना गाइस उतनी ज्यादा डेवलप जो है ना गाइस वो मिलेगी नहीं गाइस। ठीक है सो हम जो ना गाइस इसको अभी फिलहाल के लिए मेरे को पहले देखने दो कौन सा टाइप पोकेमोन है यार, फ्लाइंग टाइप पोकेमोन है ना गाइस। ओके ठीक है मूव्स है इसके पास बाइड टेल, अरे यार एयर स्लैश भाई उतने ज्यादा ओपी मूव्स तो लग नहीं रहे, बट फिर भी जो ना गाइस अपन भिड़ा देते हैं। यहाँ पे एक बॉस दिख रहा है मेरे को, इस स्लोब्रो से बिड़ा दूँ क्या, उसको नहीं बिड़ाऊंगा पहले इसको बिड़ा के आइस बीम डाल दूंगा। अंकल जी आइस बीम खाए होगा भी मेरी, आइस बीम आपके ऊपर भाई इफेक्ट नहीं कर रही है, ठीक है चलो कोई ना
अर्जेस भाई जरा अपना वो लगा डाल, ठीक है? हाँ भाई ठीक है, एंड जजमेंट डाल दे इसको, जजमेंट, जजमेंट से इसकी बैंड बजा दे, डाल जजमेंट बेस क्या जजमेंट। अच्छा जजमेंट वर्क नहीं कर रहा उतने अच्छे से, ठीक है रुक जाओ, पनिशमेंट डाल, पनिशमेंट, पनिशमेंट, पनिशमेंट भी वर्क नहीं कर रहा गाइस, ठीक है ओके चलो कोई ना भाई, दो तीन जजमेंट डाल के गाइस ये भी लुढ़क जाएगा। स्लो ब्रो का भी मेरे पास मेगा इवोल्यूशन स्टोन पड़ा हुआ है, अरे यार मेरे को मेगा इवोल्व भी करना है ना अभी, रुक जाओ वो भी करेगा अपन, लेकिन अभी नहीं गाइस, ठीक है आ जा भाई डिग डाल दे, एंड अभी जो फ्लाइंग टाइप पोकेमोन है ना गाइस उसको उतारने वाला होगा, ठीक है इसके अगेंस्ट। ये ले भाई डिग से गाइस मेरे को नहीं लग रहा उतना ज्यादा कुछ फायदा होगा, ऐसे डिग वाला ये वाला पोकेमोन उसके सामने जो ना काफी अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है, ठीक है। सो मैं दूसरे अटैक्स भाई ट्राई कर लेता हूँ इसके, दूसरा अटैक कौन से है भाई, ड्रैगन ड्रैगन टच डाल दे क्या है पता नहीं गाइस, लेकिन 1% एचपी भाई इसकी लाके रख दी है मैंने, ठीक है अभी देखना भाई हमारा नया पोकेमोन ना इसकी बैंड बजा देगा, डाल दे भाई एयर स्लैश। ओ भाई वाओ कितना पावरफुल है यार, एक्चुअली मैं भाई पहले 1 HP पे बजा था इसलिए मर गया गाइस और कुछ नहीं गाइस, ठीक है 1 HP पे बजा था, रुक जाओ गाइस मेरे को जो ना इसकी पावर सच में भाई चेकआउट करनी है कि जो पोकेमोन मैं आज पकड़ के लाया ना गाइस वो कैसा पोकेमोन है, इसलिए जो ना गाइस जिसको भाई मैं वो उससे भिड़ा देता हूँ गाइस। एक मिनट रुक जाओ, क्या मैं इसके ऊपर बैठ के जा सकता हूँ क्या सर, कैन आई राइड ऑन, अरे नहीं यार, अरे नहीं यार ची भाई क्या है यार इसके ऊपर मैं राइड नहीं कर सकता, लेकिन कोई ना चलो आ जाओ जंपे शंपे मार के जो ना गाइस ऊपर पहुंच जाएंगे और वो लेजेंडरी पोकेमोन से जो ना गाइस डायरेक्टली इसको भिड़ा देता हूँ, देखता हूँ चलो गाइस कि लेजेंडरी पोकेमोन की जो ना गाइस क्या हालत करता है, ठीक है ओके। हेलो सर हाउ आर यू, कैसन बा, ये लो गाइस ये लो ये लो चू, ओके ठीक है एयर अटैक एयर स्लैश लेफ्ट पार्ट से एयर स्लैश, वाओ वाओ एयर टाइप पोकेमोन सच में ग्राउंड टाइप के अगेंस्ट इतना ज्यादा ओपी तरीके से वर्क करते हैं क्या, टेलविंड टेलविंड आई थिंक उतना पावरफुल अटैक नहीं है, इसे टेलविंड नहीं यार ओके डजंट इफेक्ट द, ओ ये ग्राउंड जो अटैक यूज कर रहा है वो मेरे इस लोंडे के ऊपर वर्क नहीं कर रहे, मतलब अगर मैं हमारे इस लोंडे को मैक्स लेवल कर दूं तो क्या मैं बॉस को मार सकता हूँ क्या बड़े वाले बॉस को, क्योंकि उसका भी अटैक मेरे ऊपर पे वर्क नहीं करेगा ना, फिर लग तो रहा है गाइस कुछ हो सकता है ऐसे, रुक जाओ ट्राई मारते वंस मोर वंस मोर देखते हैं, एक बीच भी कम नहीं कर पाया रे मेरा, इधर आवे लुंडे इधर आ एयर स्लैश दे, काट के रख देंगे भाई काट के, मजाक हो रहा है क्या, एयर स्लैश डाल 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 डाल, अरे भाई डर दे क्या गाइस इसका कोई बैठा भाई कोई बैठा यूज नहीं हो रहा ग्राउंड रन का भाई, ये तो काफी ज्यादा कुल चीज भाई मेरे को पता चली गाइस, ओ भाई ग्राउंड वो ग्राउंडर वाला वो बॉस किधर है रे बाबा, भाई उससे अभी फाइट करूंगा मैं भाई, 70 लेवल के मेरे पोकेमोन से उसको पेल दूंगा इससे, इसको भाई चेपू क्या ये मेरे को ना उल्टा चेप दे, ट्राई मारते ठीक है एयर स्लैश वर्क करा बट वन शॉट मेरी भी पेटी बनी, जो भाई चलो कल्टी मार लेते हैं ठीक है, इतने में इतना ही मिलता है गाइस ठीक है, इतने में इतना ही मिलता है, चलो गाइस रक्यूजा को लेके चलते हैं, और अभी जो ना गाइस अगर आजू बाजू वो गाइस ग्राउंडेड वाला बॉस स्पॉन हुआ ना इनकेस, सो हम क्या करेंगे बताए क्या, उसको जो है ना गाइस हमारे इस नए पाइट टूर्नामेंट ढूंढ रूट भाई जो भी पोकेमोन है जो ना गाइस भिड़ा देंगे गाइस डायरेक्टली ठीक है। अभी मेरे को एक और काम करना है बताए क्या, सैबली ओ ये वाला पोकेमोन था क्या, वो इसका मेरे को मिला था क्या, आई डोंट नो यार, ऐसे भी ओके रुक जाओ मेरे को देखने दो, मेरे को एक स्टोन मिला है भाई सेवल नाइट, हाँ ये वाला ही है, उसी का है गाइस मेगा एवोल्यूशन, ए अरे यार लेवल कम है यार उसकी, बट 100 लेवल करने की जरूरत तो नहीं ना गाइस मेगा एवोल्यूशन करने के लिए, क्योंकि उसके अंदर स्टोन डाल देंगे हम खाली और कुछ नहीं करेंगे, और उसके बाद भाई मेगा इवोल्यूशन कर देंगे गाइस ठीक है। ये देख रहा हूँ गाइस ये हमारा पैरा पैरा सा लुंडा, ये पैरा पैरा सा लुंडा, इसका नाम मेगा इवोल्यूशन कर सकते हैं पता है आपको, इसके पास एक्चुअली में कुछ तो पड़ा हुआ है गाइस, इट्स अ मैग्नीफाइंग लेंस दैट बूस्ट द एक्यूरेसी ऑफ मूव्स भाई ठीक है, ये हटा दे और ये सिबले डाल दे भाई यहाँ पे ठीक है, और रुक जा ए अंदर आ भाई अंदर आ, रुक जाओ गाइस अभी फिलहाल के लिए मैं सो जाता भाई ठीक है, थोड़ी रात शात हो चुकी है तो हम सो जाते हैं, और सवेरे होती है ना इसका मेगा इवोल्यूशन करेंगे गाइस ठीक है, आज तो काफी ज्यादा अलग अलग मेगा इवोल्यूशन होने वाले, और मैं जो ना थोड़ी सी कैंडी विंडी जो ना वो भी फार्म करने के लिए निकलूंगा गाइस ठीक है। सो ये रहा हमारा, इसको मैंने बेसिक भाई यूज नहीं करा था, मैं इसको नेदर से लेके आया था, उसके बाद मैंने इसको एक बार भी यूज नहीं करा है, बट अभी देखते इसका मेगा इवोल्यूशन कैसा है, रेडियो अरे भाई ये उड़ाना दे यार पूरा मेरा बेस, नहीं उड़ाएगा मेगा इवोल्यूशन पर उड़ता नहीं है बेस वैसे, कम ऑन ये जरा मेगा इवोल्यूशन है
इसमें तूने क्या करा, खाली हाथ में वो शील्ड ले ली। आर यू कॉमेडी मी भाई, ये क्या फालतू के मेरे को लगा था बड़ा काफी ज्यादा बड़ा खतरनाक पावरफुल सा बन जाएगा ये, तो अपने हाथ में भाई से शील्ड लेके ना, वो शील्ड भी नहीं ली है, वो होते ना बच्चे गाइस जब कोई मेहमान बीमान आते हैं ना तो भाई चुप्पे से देखना होता है कि कौन कौन आया करके, तो भाई ऐसे भाई वॉल के साइड से ना इसे चालू से देखो, ऐसे जाके ना देखते हैं कौन कौन आया कौन कौन आया, उसके बाद वापस से चले जाते हैं भाई, ऐसे झाकू है भाई ये झाकू ला ले, देखो गाइस कैसे भाई ऐसे देखो झाक झाक के देख रहा है, देखना देखना कैसे झाक झाक के देख रहा है भाई। अरे यार मेरे को इसका मेगा रिलेशन आप बोलोगे भाई ओपी होता होगा, बट मेरे को पसंद नहीं आया सच में यार, उतना अच्छा नहीं लगा यार मेरे को, हे टिकटॉक ही है बट दिखने में, बट उतना ओपी नहीं लगा यार मेरे को सच में भाई, उतना ओपी नहीं लगा। वैसे आपको गाइस इसका मेगा रिलेशन कैसे लगा जरूर बता देना यार, शायद पोकेमॉन ओपी हो सकता है बट मेरे को इसकी स्पेशल अटैक्स और पावर्स पता नहीं है गाइस, मैं भी इसको 100 लेवल जब मैं करूंगा तब जाके मेरे को इसकी पावर जो है ना वो पता चलेगी शायद, ठीक है तब मेरे को पता चलेगा कि पोकेमॉन जो है जो कौन से टाइप पोकेमॉन है और कैसा कितना डैमेज देता है, बट अभी के लिए आई डोंट लाइक इट। चलो आ जाओ लेट्स गो। तो फिर इसका गाइस मेगा एवोल्यूशन भी आपने देख लिया, इस पोकेमॉन को अगले एपिसोड में 100 लेवल करने वाला हूं मैं, ठीक है, एंड 100 लेवल का होने के बाद इसकी पावर देखूंगा। अभी फिलहाल के लिए मैं अपने उस लोंडे को लेके जा रहा हूँ, इसको अभी फिलहाल के लिए इसको लेके जा रहा गाइस मैं, ठीक है ओके। एंड इसको जो है, अरे यार ये तो मर चुका है बेचारा, इसको रिवाइव करते सबसे पहले, देन जो ना गाइस मैं जाके ना इसको डायरेक्टली बॉस से भिड़ा देता हूँ गाइस, ठीक है, बॉस को मारने से जो ना गाइस मेरे को वो भी मिल जाएगी कैंडी शैंडी, और अपन को पता भी चलेगा कि इसमें दम कितना है भाई, 80 लेवल हो चुका है गाइस, ठीक है भाई, हाथ भाई बांध के कैसे बैठा है भाई, जैसे भाई किसी देश बीच का राजा होगा। रुक जाओ एक एक चीज भाई उसके अंदर वापस डालना भूल गया मैं, इसके अंदर भाई अच्छा चलो भाई ये जो है भाई ये यहाँ पे डाल देता होगा गाइस, ठीक है चलो लेट्स गो। ऑलराइट इसको जो ना, अरे यार इसके ऊपर बैठ भी नहीं सकता भाई, पता नहीं कैसा पोकेमॉन है ये, लेट्स गो। ऑलराइट सो ये केल्डो बिल्डो जो है ये नहीं चाहिए मेरे को, रुक जाओ बॉस किधर है इसका, बॉस वर्जन कहाँ पे यार भाई, जब बॉस ढूंढ रहा हूँ ना तो बॉस नहीं मिल रहा यार मेरे को, मैं सच में इसके ऊपर ट्राई मारना चाहता हूँ कि कितना गंदी तरीके से मारता है गाइस अपने पोकेमॉन, बट गाइस मेरे को लग रहा है मेरे नसीब में जो ना गाइस आज थोड़ी सी बॉस फाइट करना नहीं लिखा है गाइस, ठीक है उस बॉस को मारना नहीं लिखा है, मैं वो चुटकू को जो ना एयर स्लैच देके ना दो तीन वर्ड को मैं उड़ा सकता हूँ, बट शायद बॉस को ना उड़ा पाऊंगा। एक मिनट रुक जाओ, मैं हाइना जो था ना, हाइना वाला बॉस भी गायब हो गया यार यहाँ से। ये कौन है भाई, ये कौन है, अच्छा यही है क्या किल्डो, अरे ये तो भाई मेरे को डोरेमोन ने दिया था यार, मेरे पास अभी तक पड़ा हुआ है, बट फिर भी एक और गाइस कैच कर लेता हूँ, चार मास्टर बोले एक और कैच कर लेता हूँ, ठीक है लेट्स गो, हो जा कैच भाई, कमॉन कमॉन कमॉन, ऑलराइट ओके डन डन गाइस, हो गया गाइस, चलो आ जाओ, मास्टर बॉल फेंका था तो तुरंत ही कैच हो गया गाइस, ओके एंड देख दे गाइस कि यहाँ पे जो ना गाइस थोड़ा टाइम इंतजार करने से गाइस बॉस भी स्पॉन होता है कि नहीं, तब तक इसको जो ना गाइस यहाँ पे बिठा देते हैं गाइस, इनसे भी तो कैंडी मिलती है ना गाइस, हाँ यहाँ पे बिठा देते हैं गाइस, अपने लोंडे को ना यहाँ पे बिठा देंगे गाइस, ठीक है यहाँ से भी कैंडी मिल जाएगी, और ये मेरे को छोटू सा वो लग रहा है, ठीक है वो छोटू सा बच्चा लग रहा है गाइस, हाँ हाँ जिसके हाथ में हड्डी होती है, लगाया था मेरे को, हेयर स्लाइस दे दे भाई, बाय बाय एस्केप, हाँ क्यूबॉन है क्यूबॉन है क्यूबॉन है, वाह भाई इसे बोलते पावर, क्यूबॉन मेरे पास पहले से पड़ा हुआ है यार, यार क्यूबॉन को वन शॉट मार दिया, वो भी डायनामिक्स वाले क्यूबॉन को भाई, कैच हो जाएगा इजी पीजी यार, इसे मेरे पास पहले से पड़ा हुआ था कैसे पोकेमॉन, इसकी जरूरत नहीं थी मेरे को, इसको पीछे उड़ा लूँ क्या, अरे यार ऐसे नहीं करना, ऐसे फाइट लेनी है, इसको उड़ा ले कर देता उतार देता, एंड देखते गाइस कि क्या होता भाई, ठीक है ऑलराइट कुछ दिखाई नहीं दे रहा भाई, एयर स्लैग कॉर्पिश कॉर्पिश, अरे भाई हेलो, अजय थोड़े थोड़े से नल्ले नल्ले बॉस लग रहे मेरे को गाइस, बॉस नहीं सॉरी नेस्ट लग रहे गाइस, इसमें से कोई ओपी वाला पोकेमॉन नहीं मिल रहा हमको गाइस, ठीक है मेरे को लगा था कुछ अच्छी सी चीज मिलेगी यार, लेकिन कुछ भी नहीं मिला, चलो गाइस अभी देख लेता हूँ, इतनी फाइट तो ले लिया हमने, तो बॉस तो गाइस अभी स्पॉन होना ही चाहिए भाई किसी भी कीमत पे, अगर अभी नहीं हुआ होगा ना तो ये बॉस मेरे से डर गया समझ लो गाइस भाई, अरे यार तू नहीं स्पॉन होना था भाई, तेरा बॉस वर्जन चाहिए मेरे को, ठीक गाइस भाई मेरे को देखनी इसकी पावर, रुक जाओ मैं कहीं और जाके पावर देखूंगा, कहाँ पे जा सकता हूँ मैं भी फिलहाल के लिए यहाँ पे हूँ, सो एक काम करना रैप स्टोन यूज कर ले, रैप स्टोन में सबसे ज़्यादा ओपी वाली जगह कौन सी है, वॉर्म होल वॉर्म होम में नहीं भाई, स्ट्रॉन्ग होल्ड भी नहीं भाई, आरसीएस नहीं, फर्स्ट होम ना यार, कहाँ पे ये वाले डेजर्ट पे, चल पता नहीं कौन सा डेजर्ट है, ओ गाइस क्या मैं जिम फाइट ले सकता हूँ अभी, क्या मैं इतने केपेबल बन चुके हैं, वैसे पोकेमॉन्स कौन कौन से लेके आओ मेरे को बता नहीं, ओ और एक बंदे ने मेरे को खतरनाक सा आइडिया बताया, बताया गाइस क्या बताया, आइडिया का बताया,
जहाँ से तुम्हारी फाइट खत्म हो जाती है वहाँ पे जाके चुपचाप वेस्ट स्टोन लगा लो, बार बार रास्ता नहीं ढूंढना पड़ेगा। प्लान तो मस्त था भाई का और मेरे को अच्छा भी लगा, इसलिए जो ना गाइस रुक जाओ, अभी वेस्ट स्टोन लेके जाऊंगा और जहाँ पे भाई मैं अटकूंगा ना वहाँ एक मिनट रुक जाओ, अभी ना ये लोग कुछ ना कर पाएंगे गाइस। समझ लो तुम्हारा भाई ये जिम फाइट जीत गया। क्या गाइस? ये तुम्हारा भाई ना ये जिम फाइट जीत गया समझ लो भाई, ठीक है? ए चल ले भाई, कल आना कल, खत्म रे। बच्चे लोग है गाइस, बच्चा पार्टी है गाइस, टेंशन नहीं लेने का गाइस, ठीक है? तुम्हारा भाई जो ना गाइस समझ लो ये भाई फाइट जो ना गाइस वो बड़े आराम से जीत चुका है यहाँ पे, मेरे को जो ना गाइस कोई अभी रोक ही ना पाएगा। आ जाओ चलो, और इन्विजिबल वॉल्स है ना यहाँ पे, ओके आई फॉर कुप्स है फॉरगॉटन, रुक जाओ गाइस। इन्विजिबल वॉल्स ना गाइस ये ट्रैक करना ना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है यार, और प्लस हम इनको जो ना तोड़ भी ना सकते गाइस, समझ रहे हो आप? इनको तोड़ना भी जो ना गाइस एक काइंड ऑफ मतलब एकदम मुश्किल मुश्किल इज्जा है भाई, मुश्किल इज्जा है। ठीक है भाई, रास्ता मिल गया भाई, फर्स्ट फ्लोर क्लियर था अपना, ठीक है हमको घर जाना था, सेकंड भी क्लियर था क्या मेरा? आई डोंट नो, मे बी शायद सेकंड क्लियर था क्या, पता नहीं गाइस। इससे फाइट हुई थी ना हमारी सेकंड में शायद, अबे यार ये कहाँ, अच्छा यहाँ से जाना, अच्छा इससे फाइट नहीं हुई है। लौंडे हाइपर बीम का नाम सुना है कभी? सुना है, अच्छा नहीं सुना है लग रहा है, सुना है हाइपर बीम वर्क नहीं कर रही लौंडे के ऊपर। ठीक है चलो, कोई ना बिटवा चल भाग, बेस गया क्या? अरे 7% पे बच गया भाई ये, ठीक है भाई हाइपर बीम तो ऐसे खत्म हो जाएगी यार अपनी तो। ओके बाय बाय, हैव अ ग्रेट टाइम, खत्म, लेट्स गो भाई। फ्लाइंग टाइप अटैक काफी ओपी लग रहा है गाइस इसको, वाओ फ्लाइंग टाइप अटैक में इनकी तो बैंड बज रही है एकदम सॉलिड वाली। ले बेटा भाई अकेला रख क्यों सब फेल देगा यार, शायद लग रहा है भाई ये रिचार्ज कर रहा है अपने आप को। ये ले बेटा चल, हाइपर बीम डाल दूँ क्या इसको? इसको हाइपर बीम डालता भाई इसकी पेटी बन जाएगी डायरेक्टली, खत्म बेटा। ना हाइपर बीम उतने अच्छे से वर्क नहीं कर रही है गाइस, कम ऑन यू कैन डू इट ब्रो, यू कैन डू इट, लेट्स गो। चेप डाल ओह शिट ड्यूड बाय लो, व्हाट द, लौंडा काफी तगड़ा लग रहा है, उड़ा डाला रक्यूजा को, उड़ा डाला यार मेरे। बेटा स्टिलेक्स का नाम सुना है कभी? चल बेटा कल आना कल, ठीक है? ले भाई डी गो होल भाई, खत्म, टाटा बाय, गुड बाय। अच्छा नहीं हुआ गाइस भाई, मैंने तो भाई डी यूज, अबे यार ये भाई हील कर रहा खुद को भाई, ये बहुत गंदा वाला, मैं इसके अगर किसको उतारू भाई, डबल एज भाई वर्क करेगा एक दिन, अबे डबल एज वर्क करेगा, रिकॉइल से मेरे को भी डैमेज पड़ेगा बट ये उड़ जाएगा, नाइस वन डबल एज। आई हिप्नो यार, हिप्नो काफी ओपी पोकेमॉन होता है गाइस, ठीक है? रिकॉइल से मैं भी मरूंगा बट ये हिप्नो भी मर जाएगा, चल ले मैं भी मरूंगा, हिप्नो नहीं मरा गाइस, एक काम कर फ्लाइंग टैग अटैक डाल दे, चल एयर स्लैश, चलना अंकल हिप्नो सर, कल आना कल, ठीक है कल आना कल। भाई यार मेरे लेजेंडरी पोकेमॉन भी यहाँ पे वर्क नहीं कर रहे यार, आरसेस उतार दूंगा ना गाइस, आरसेस को उतारना नहीं चाहता मैं, बचा के रख रहा हूँ आरसेस को गाइस, ठीक है मैं आरसेस को बचाना चाहता हूँ, अगर आरसेस को उतार दिया ना तो इनकी बैंड बच जाएगी गाइस एकदम सॉलिड वाली गाइस, खत्म चल खत्म। हाँ भाई इसको तो चेप डाला अपन ने, ठीक है इन अंटी को चेप डाला। अबे आगे किधर जाना है यार, आगे किधर जाना है आई डोंट नो, आगे किधर जाना है यार, अरे यार किधर जाना है यार, यहाँ से तो रास्ता होगा कहीं पे जाने का, क्योंकि आंटी जी यहाँ पे खड़ी हुई थी सो नहीं, यहाँ से तो रास्ता नहीं है, सो कहाँ से जाना है आंटी जी, जरा हमको तनिक मार्गदर्शन कीजिए, एक मिनट रुक जाओ। वाह जो नीचे सैंड बनी हुई है वो हमको रास्ता दिखा रही है भाई साहब, भाई बताओ जो नीचे सैंड है ना गाइस वो हमको रास्ता दिखाई कि हमको जाना कहाँ पे भाई, ले बेड़े मौज कर दी भाई, वाह भाई वाह, ये मेरे को बता ही नहीं था गाइस, ये देखो ठीक है, जाना किधर अभी ऊपर, अबे नहीं यहाँ से मैं तो आया था, मेरे को इस लोंडे से फाइट करनी है ना, एंड मेरे को यहाँ से जो है ना गाइस ऊपर साइड जाना है भाई, ठीक है सो मेरे को अगर इससे फाइट करनी है तो मेरे को आना कहाँ से पड़ेगा, मेरे को आना यहाँ से पड़ेगा, देन इससे फाइट हो जाए, अच्छा इससे फाइट तो अपनी हो चुकी है गाइस, ठीक है सो मेरे को था इस रूम से मैं आगे कैसे जाऊँ, इस रूम से आगे जाने के लिए मेरे को सीढ़ियाँ इस्तेमाल करनी पड़ेगी, एंड सीढ़ियों तक जाने का रास्ता यही से है गाइस, ठीक है वाह भाई वाह, नीचे बस मेरे को डर्ट को फॉलो करना है यार और कुछ नहीं करना, तभी मैं सोचू भाई ये डर्ट क्या बनी हुई है, बाद में पता चला गाइस कि ये तो भाई अपना, अरे भाई 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 बताओ गाइस, ये देखो गाइस, ओके ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन है बट कोई सीन नहीं है, लंडे फाइट लेगा मेरे से,
हिप्नो हाँ टाइगर ड्रैगन खाएगा हिप्नो अवॉइड दैट, अरे अवॉइड दैट अटैक, कैसे अवॉइड करेगा भाई इसके अगले, हम भी अवॉइड करेंगे अटैक बेटा, ठीक है ले बेटा चलना हिप्नो के बच्चे, कलाना कल क्रिटिकल, ओ शिट, अच्छा मेरे को भी दे दिया क्या क्रिटिकल भाई, ठीक है अभी गया भाई ये, चल भाई हिप्नो सर कलाना कल वापस से डी गोल, हाँ भाई अवॉइड कर दूंगा इसका एक अटैक तो, देन इसका जो ना क्लेडॉल, ओके क्लेडॉल इम्यून टू द अटैक, ओके ओके वाओ ये इम्यून थी इस अटैक से, ठीक है सो अभी यहाँ पे क्या डाल, एंशिएंट पावर है, हाइपर बीम है, आइस बीम डाल पहले, अगर वर्क कर गई तो सही है आइस बीम, वरना आई डोंट नो क्या होगा, आइस बीम वर्क कर रही है लेकिन मैं लुढ़क जाऊंगा गाइस, ठीक है अभी टाइम आ चुका है वन मैन आर्मी को उतारने का गाइस अपने, ठीक है और आपको बताया मैं किसकी बात कर रहा हूँ, आई थिंक ये सवाल नहीं यार, आ जाओ गाइस, हेलो सर हाउ आर यू, कैसे हो, आरसीएस से पंगा लगे सर, रुक जाओ तीन राउंड तक सुला देता हूँ इसको, ठीक है चलो कल आना सर, ठीक है कल आना कल, बाय बाय अंकल जी, खत्म भाई, अरे भाई फाइट दिख नहीं रही हमको, अच्छा अभी दिख रही है, आरसीएस को भी मार रहा है भाई ये, बाय ले भाई जजमेंट बोलते ब्रो, जजमेंट बोलते ब्रो, लेकिन हम हमारे गलतियों से सीखेंगे और हम थोड़ा सा तो आगे आ चुके हैं गाइस, थोड़ी प्रोग्रेस तो कर लिया हमने भाई, ठीक है फाइट ओके चलो गाइस यहाँ पे ये लगा देंगे डायरेक्टली, ये भी डीपी मार के या इससे वापस से फाइट ले लूंगा भाई, ठीक है अभी चुपचाप चलते घर पे, और मेरे को पता चल चुका है कि मेरे को जो ना गाइस आई थिंक कौन से वाले पोकेमॉन लेके जाने गाइस, ठीक है मैं इस बार थोड़े से लो लेवल वाले पोकेमॉन लेके गया था, अगली बार देखना भाई सारे के सारे ओपी पोकेमॉन लेके जाऊंगा और सबकी बैंड बजा के आऊंगा, फिलहाल के लिए एक काम कर लेते हैं आज का जो एपिसोड है हमारा पैरा सा ये भी खत्म कर लेते हैं, मिलते हैं सीधे आपसे अगले एपिसोड में पिक्सल मॉन के, अगर आज का एपिसोड आज की फाइट और आज जो हमने नए पोकेमॉन भाई इवॉल्व करे और जो पोकेमॉन मैंने आपको दिखाया वो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, मिलते सीधे अगले एपिसोड में, सी यू लेटर गाइस, टाटा बाय, गुड बाय गाइस। For you and me, and how careless we could be. All day and all night, we'd stay up, it felt so right. We were so young, we were so dumb, we would get drunk.